जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो एक वचन के लिए वो लंका जला। फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर आया और अपना जादू दिखाकर चला गया और आते ही इसने एक रिकॉर्ड भी बना डाला, जैसे कि ये 4 मिनट 58 सेकंड्स का ट्रेलर था जो कि हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेलर का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। वैसे फिल्म में बिठाया गया रामायण का कॉन्सेप्ट एंड कुछ वाव मोमेंट्स ऑडियंस को काफी पसंद तो आ रहे, जिस पर तो आएंगे ही, पर इस ट्रेलर को देखने के बाद कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स भी आ रही है। मतलब ये फिल्म पुलिस वालों की है एंड पुलिस के खिलाफ ही कंप्लेंट्स आ रही हैं। वाह, क्या जमाना आ गया। पर ये कंप्लेंट की गई है दीपिका पादुकोण के खिलाफ। दरअसल इंस्पेक्टर शक्ति शेट्टी बनकर दीपिका ने जब इस ट्रेलर में एंट्री मारी तब वो एक वाव मोमेंट जरूर था, पर उसके बाद उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्सेंट, उनका लुक काफी लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों का ये कहना है कि दीपिका के अंदर क्या रणवीर सिंह की आत्मा आ गई है जो ऐसी एक्टिंग कर रही है। कुछ लोगों ने तो उनके करियर पर भी सवाल उठा दिए कि 17 साल इंडस्ट्री में बिताने के बावजूद, एक अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी दीपिका ऐसा कैसे कर सकती हैं। मतलब टाइगर श्रॉफ एंड अर्जुन कपूर इस फिल्म में होने के बावजूद भी दीपिका ऐसी एक्टिंग कर रही हैं, ऐसे भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब दीपिका हमेशा ऐसे ही कैरेक्टर्स करती हैं जो कि यू नो स्टीरियोटाइप ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट प्ले करने में तो हमेशा आगे रहती हैं वो। एंड ऐसा ही उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था रोहित शेट्टी की 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का मीनम्मा नाम का साउथ इंडियन कैरेक्टर। मतलब ये कैरेक्टर इतना मेमोरेबल है कि उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके फेशियल एक्सप्रेशन सब में दीपिका ने सबका दिल जीत लिया था। पर अब सिंघम अगेन का ट्रेलर देखकर कुछ लोगों को ये सवाल सता रहे कि भाई कहीं वो मीनम्मा तो नहीं है, क्योंकि अगर वो पुलिस बन जाती हैं तो बिल्कुल इस शक्ति शेट्टी की तरह ही लगेंगी। तो दीपिका का कैरेक्टर काफी लोगों को इस ट्रेलर में पसंद नहीं आ रहा है, पर अब फिल्म देखने के बाद ये पसंद आता है या नहीं ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। पर इस ओवरऑल ट्रेलर को देखकर कुछ वाव मोमेंट्स तो इसमें थे, जिसमें पहली बात है बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन की डायलॉग। उन्होंने एक डायलॉग बोला कि गूगल पर सर्च कर तेरा बाप बाजीराव सिंघम कौन है, पता चल जाएगा। और इस डायलॉग को सिटी डायलॉग बोला गया। इस पर थिएटर्स में खूब सारी तालियां बजने लगी। वैसे भी सिंघम फ्रेंचाइजी हमेशा अपने आइकॉनिक डायलॉग्स के लिए भी पहचानी जाती है, तो उस हिसाब से सिंघम अगेन भी अपना काम बखूबी निभा रही है। फिर दूसरा वाव मोमेंट था अक्षय कुमार की हेलीकॉप्टर से मारी एंट्री। वैसे बहुत देर तक ट्रेलर देखते हुए फैंस ने अक्षय की एंट्री के लिए इंतजार किया और जब उन्होंने एंट्री मारी तो उनकी एंट्री एक तरफ और बाकी सबकी एंट्री एक तरफ, ये डिफरेंस क्लियरली सबको नजर आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म के विलन अर्जुन कपूर का जो लुक है उस पर लुकिंग लाइक अ वाव ऐसा कॉमेंट किसी ने फेंक कर मारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रामायण वाला जो कॉन्सेप्ट रोहित शेट्टी ने इसमें बिठाने की कोशिश की, जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसे ऑडियंस दिल खोल कर पसंद करेगी। बिकॉज एक्शन फिल्मों में रामायण का कॉन्सेप्ट बिठाना ये थोड़ा यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से ऑडियंस खुश है और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो ये फिल्म बैठकर देख सकती है। ऐसा उन्हें अगर यकीन है तो इसका मतलब रोहित ने अपना काम अच्छी तरीके से कर लिया। वैसे भी रामायण नाम सुनने के बाद ऑलरेडी सबके इमोशंस हाई हो जाते हैं एंड चाह कर भी कोई ऐसी फिल्म को यू नो मिस नहीं कर पाता, तो ये चीज इस फिल्म के फेवर में, जिससे कि इस फिल्म को फायदा हो सकता है, क्योंकि आदिपुरुष जो रामायण पर बेस्ड फिल्म थी उसके चलते ही ऑडियंस ने भर भर के टिकट निकाले एंड इसीलिए पहले दिन इस फिल्म ने 140 करोड़ का कलेक्शन किया। पर बाद में इसके डायलॉग्स, इसके स्टार कास्ट, इसके VFX सब मार खा गए, इसीलिए तो फिल्म पिट गई। पर सिंघम अगेन के साथ ऐसा कुछ यू नो ना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक नहीं होगा बिकॉज पीपल आर काइंड ऑफ लविंग द ट्रेलर सो मच। तो आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं यानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828 5888।